नमस्कार, मैं रणवीर और आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड। नमस्कार अंकल। हाँ नमस्ते, थैंक यू। महावीर पचौरी। कहाँ से सर आप? मैं मुरैना मध्य प्रदेश। सर इस बार क्या लगता है, बीजेपी सरकार को वोट दोगे या फिर कांग्रेस? काम तो अच्छा है बीजेपी सरकार का निश्चित रूप से। अब कुछ चीज़ें तो होती हैं, हर चीज़ को पूर्ति नहीं कर पाती कोई भी सरकार, इतना बड़ा देश है अपना, लेकिन फिर भी जो है एक शुरुआत बहुत अच्छी है और मोदी जी से देश को उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे काम हैं और धीरे धीरे लगता है कि भारत प्रोग्रेस पर जाएगा। तो कुल मिला के मोदी जी से उम्मीदें हैं कि फिर एक भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार बनेगी। पुष्पा पचौरी। कहाँ से? एमपी से, मुरैना। इस बार किसको, बीजेपी या फिर कांग्रेस? नोटा। नोटा, इसकी क्या वजह है? वजह जी है कि वो तो सब ऐसे ही है। अच्छा। एक भी सरकार पसंद नहीं। अच्छा, एक भी पसंद नहीं है। तो इस चुनाव में कुल मिला के नोटा भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं बीजेपी का भी समर्थन दिखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजना और आइए हम जानते हैं इस लोकसभा इलेक्शन के बारे में कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस लोकसभा इलेक्शन के बारे में। आपका नाम? गौरी। ओके, तो हम जानते हैं गौरी से कि वो क्या सोचती हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2019 जो अभी होने वाला है अप्रैल में, वो किसे वोट देंगी? बिल्कुल अच्छे से मन बना चुकी हूँ, मोदी सरकार को ही वोट दूंगी। पिछले 4 साल में जो काम हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है वर्क में, तो डेफिनेटली उसे देखते हुए जो अभी तक डेवलपमेंट कर चुकी हैं, अगर हमें उन्हें आगे फर्दर होना चाहिए वो चीज़, तो हमें मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। और अगर आप ये पूछे कि राहुल गांधी क्यों नहीं, तो गाय हु कैन नॉट स्पीक स्पीच प्रॉपरली, हम उसे एक ऐसे रिस्पेक्टेड पद पर कैसे बिठा सकते हैं जो कि अपनी एक स्पीच भी प्रॉपरली नहीं दे सकते हैं। ही मेक्स रिपीटेड मिस्टेक्स, तो मैं तो नहीं मानती। इनफैक्ट कांग्रेस हटाओ और देश बढ़ाओ, वो लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ कांग्रेस हटाओ एंड देश बढ़ाओ। वी लव यू मोदी सर, वी ऑलवेज विद यू, थैंक यू। तो जैसे कि हमने देखा, इन्होंने बोला कांग्रेस हटाओ देश बढ़ाओ, तो आगे जानते हैं हम और लोगों से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस और बीजेपी के लेके। चुनावी चर्चा को लेकर हमारे साथ हैं एक भैया, जानेंगे भैया आपका नाम? डॉक्टर रजत यादव। कहाँ से बिलोंग करते हो? उदयपुर से। और जयपुर में कितने टाइम? मैं कल ही आया हूँ आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और आज रात को वापस जा रहा हूँ। तो उदयपुर से क्या है जनता का मूड लोकसभा चुनाव को लेकर? 50-50 है वैसे, कांग्रेस का ज़्यादा लगता है। कांग्रेस का ज़्यादा लगता है, तो इस बार आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को जाएगा, इसकी क्या खास वजह? हमारे जो लोकल पार्टी, जैसे मैं लोकली डूंगरपुर से बिलोंग करता हूँ, उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा काम होता हुआ दिखता है हमको, तो हमारे वहाँ की पॉपुलेशन वगैरह कांग्रेस को ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो कुल मिला के पॉपुलेशंस कांग्रेस को सपोर्ट करती है उदयपुर से? लोकली हमारे वहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा काम ज़्यादा होता है, बीजेपी आती है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऐसा लगता है हमको। अच्छा, इसकी क्या वजह रही कि मतलब बीजेपी और कांग्रेस में? जैसे कि माय मॉम एंड डैड इज़ अ टीचर एंड माय फादर इज़ द प्रिंसिपल, तो ऐसा रहता है कि जैसे कि मेरी मम्मी या कोई स्कूल जाना होता है तो कांग्रेस आती है तो 10 बजे का टाइम होता है सर्दियों के अंदर, तो जाने में सही रहता है। बीजेपी आती है तो सुबह 8 बजे का टाइम कर देते हैं वो लोग, 8 से 4 टाइम हो जाता है, ना सुबह के रहते हैं ना शाम के रहते हैं, उन लोगों को भूखे जाना पड़ता है, घर से खाना नहीं मिलता है, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, वो दोपहर का खाना वो शाम को 4 बजे आके खाते हैं। और फिर ऐसा था कि बीच अभी क्या कर दिया कि जो स्कूल्स वगैरह वो प्राइवेट सेक्टर में डालने की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर स्कूल्स को डाल देंगे तो फिर गवर्नमेंट टीचर क्या करेंगे, फिर वो प्राइवेट सेक्टर पर थे उनके हिसाब से जॉब वगैरह देंगे, तो उस हिसाब से भी ओवरऑल नुकसान होगा ऐसा। तो कुल मिला के यहाँ पर उदयपुर से कांग्रेस का समर्थन युवाओं में काफ़ी देखने को मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा के बारे में हम फिर एक बार जानेंगे, आइए। अंकल आपका नाम? मोहन सिंह चौधरी। मैं भरतपुर का हूँ सर जी, वैसे भक्ति रस में हूँ, बचपन से ही 6-7 वर्ष का था जब ही थे, और हमारे को तो ऐसा रुझान दिख रहा है जो बीजेपी की सरकार बनवे पक्का है। कांग्रेस का वायदा जो लोन माफ़ का किया ना कि 7वें दिन लोन माफ़ हो जाएंगे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए, इस वजह से सब इन बातों को फैल जाती हैं और सब झूठ नहीं चली जाती। तो इस बार आपका किसको वोट रहेगा? मोदी सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी सरकार बनेगी, निश्चित है। अच्छा, मोदी सरकार ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? विफल हो गई ना। क्या 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 विफल के क्या कारण रहे सर जी? देखो, इतनी कांग्रेस राहुल में इतनी वो नहीं है काबिलियत,
ये भक्ति शक्ति वाले महात्मा संत फकीर है और संत फकीर है, इसमें बहुत मजबूत आई है। अब देखो स्ट्राइक भी करी तो उसमें कितनी मजबूत आई दिखाई। और आगे प्रतिक्रिया जानते हैं सर। अब आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र है जी। कहाँ से बिलोंग करते सर? जी मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से हैं तो इस बार चुनावी रुख में क्या मूड रहेगा कलकत्ता में, कि क्या किसको कांग्रेस या बीजेपी? देखिए हमारे यहाँ कलकत्ता में तो ममता बनर्जी हैं। अच्छा, तृणमूल सरकार? तृणमूल सरकार ही रहेगी। अच्छा, पर लोगों का रुख मोदी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, लोगों का मुख आपका किसको वोट रहेगा? ये तो देखिए वोट अब देखना है किसको देते हैं, ये तो बोलना उचित नहीं रहेगा। हम मेरा वोट किस तरफ जाएगा, पर एक अच्छी सरकार की तरफ वोट जरूर जाएगा। अच्छा, एक अच्छी सरकार की तरफ वोट जरूर जाएगा। धन्यवाद। चुनावी चर्चा में हम फिर जानेंगे एक बार। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक बिश्नोई, श्री गंगानगर राजस्थान से। अच्छा, तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? श्योर बीजेपी। बीजेपी आपको किसका समर्थन जाएगा, बीजेपी को वोट या फिर कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी को, इसकी कोई खास वजह? बीजेपी ने देश में काम करवाया है, सैनिकों का मान बढ़वाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बड़ा है, और विश्व में जो भारत की एक नाम हुआ है, जो नाम मतलब कह सकते हो रोशन ही हुआ है, एक इतने सालों में जो नहीं था वो रोशन हुआ, तो क्यों दूसरा चुने? बुजुर्गों ने, माता पिताओं ने पहले बहुत साल हो गए दूसरे को चुनते रहे, कभी उनको मौका दिया कभी उनको, अब तो निश्चित तौर पर कोई किसी को मौका देने का दिल भी नहीं है, मन भी नहीं है, ना कभी होगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। आपके गंगानगर के क्षेत्र से इस बार पूरा उन क्षेत्रवासियों के यूथ में क्या मूड नज़र, कांग्रेस का या बीजेपी का नज़र आ रहा है? मूड तो युवाओं का तो सदा ही मोदी की तरफ रहा है और रहेगा, मोदी जी को ही वोट देंगे युवा तो जी। इस बार कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार का सुन सुन के परेशान आए खड़े हैं युवा, कहाँ से उनको मतलब दोबारा विश्वास क्यों करे कोई? कितने साल उन पर विश्वास किया, एक अर्थशास्त्री उनका प्रधानमंत्री था उस पर विश्वास किया, और तब वाले युवा आज बेरोजगार हैं। आज के जो युवा जो जवान हुए थे, जिन पढ़ के जो बाहर निकले हैं, जो डिप्लोमा लेके जो बाहर निकले हैं, आज वो नौकरी लगे हुए हैं, नौकरी उनको मिल रही है ना जी। धन्यवाद आप। चुनावी चर्चा में लोकसभा चुनाव में एक आम ऑटो रिक्शा और एक उनके जानेंगे इस प्रकार के इस मूड में लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे। जी आपका नाम? निहाल सिंह जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरतपुर से। भरतपुर से, और जयपुर में कितना टाइम हो गया आपको? 8 साल। 8 साल, तो इस बार आप बीजेपी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस? बीजेपी। इसकी क्या खास वजह रहेगी? ये तो पता नहीं, कुछ तो खास वजह होगी, बीजेपी या कांग्रेस, मतलब क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी के लिए सारी चीज़ सुविधाएं मिली है हमारे लिए यहाँ। अच्छा, सुविधाओं में मतलब आपको क्या, मतलब आप जैसे आपका वर्क है रिक्शा चलाते हो, आपको क्या सुविधाएं बीजेपी के द्वारा मिली है जो आप जो सारी सुविधाएं सिम कार्ड वगैरह इनमें भामा साहब में आधार कार्ड में सारी सुविधाएँ मिली हैं। अकाउंट तो आइए हम और लोगों से पूछते हैं कि उनका 2019 लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या राय है। आपका नाम? भारत कुमार वर्मा। भारत कुमार वर्मा जी, हमें बताएंगे कि वो किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? मैं बेसिकली तो कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, पर अगर वैसे भी अगर देखा जाए, अगर अपन पार्टी पॉलिटिक्स से अगर हट कर के बात करें, तो जो पिछली गवर्नमेंट जो अभी 5 साल से भी हिंदुस्तान में है मोदी सरकार, अगर अपन उसके कामों का आकलन करें तो आप वैसे भी देखें तो इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ वादे किए, जुमलेबाजी किए और दूसरों की गलतियाँ निकाली हैं। ये पिछले 70 साल का हिसाब मांगते हैं, अपने 4 साल के बताए हुए काम के बारे में कभी बात नहीं करते। कभी एक बार मीडिया खुद खुल के सामने आया था कि ऐसा ऐतिहासिक कदम जो इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है नोटबंदी को लेके किया। अब आज वही मीडिया जब नोटबंदी फेल हो गई, हर स्केल पे फेल हो गई, पब्लिक ने भी उसको नकारा है, और अगर आर्थिक दृष्टि से उसके आंकड़े देखे जाएँ तो वो भी नेगेटिव आ रहे हैं, पर अब वो मीडिया उस पर डिबेट, ना तो डिबेट दिखाता है, ना उसको ये बताता है कि ये इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता थी, सबसे बड़ी विफलता वो रही। दूसरी, पहली नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी को इन्होंने ऐसा लॉन्च किया जैसे कोई 47 की आज़ादी के बाद भी हमने इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया होगा रात को। इनको इतनी जल्दी थी जीएसटी लॉन्च करके, इन्होंने रात के 12 बजे जश्न मना दिया। जीएसटी का इफेक्ट क्या रहा,
वो भी फेल रहा, नहीं तो पिछली गवर्नमेंट ने इसका जीएसटी का मसौदा तैयार किया था, वो पागल नहीं थे। आज हमारे हिंदुस्तान का मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में माना गया उनको, वो पागल नहीं थे कि उस टाइम जीएसटी को लॉन्च नहीं करते, पर उसमें कुछ खामियां थी इन्होंने जो, पर इनको क्या है एक मीडिया ट्रायल चाहिए। ये एक जैसे ये होती बॉलीवुड मूवी और एक्शन दिखा दिया साउथ की मूवी और ये हीरो आया और उसने स्कॉर्पियो फेंक दी और इतने लोगों को मार दिया, ये वो वाला काम करते हैं। तो अगर जीएसटी की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो जीएसटी क्या फेल, ग्राउंड लेवल पर अगर आप बात कर ले जाकर के, हर आदमी नकारेगा जीएसटी ने बर्बाद कर दिया देश को, छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, पर ना मीडिया उस पर बात करता है और ना ये लोग बात करते। फिर इन्होंने सोचा ना इनकी जीएसटी चली ना इनका नोटबंदी चली, फिर ले देंगे जो मुद्दा राम मंदिर का ये भूल चुके थे उसको लिया है ये, फिर उस पर भी लोगों ने बात कर दिया, धर्म पे आधार पे आजकल सब मैडम आजकल सब समझते हैं, कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल 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 पूरी तरह। आप इस बार इस साल का वोट भी आप कांग्रेस को ही देंगे? कांग्रेस को ही वोट देंगे, और आज आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है, ये भी उन 70 सालों का ही नतीजा है। मोदी जी इस बात को कहते हैं 70 साल में क्या किया, मैं कहता हूँ मोदी जी आप सामने देखो, इतना बड़ा माइक होता था मैडम, जब अपन आप पुराने पिक्चर उठा के देखिए इतना बड़ा माइक होता था, आज इतना सा हो गया, ये 70 साल की देन है। अगर मोदी जी पीछे मुड़ के देखें ना तो वो भव्य पंडाल वो मोदी जी की देन है, 70 साल में ये चेंज आया है। तो हमने जाना कि लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, तो आइए हम दूसरे जन से पूछते हैं कि वो क्या उनका क्या सोचना है 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में। आपका नाम? पवन कुमार सिंह। तो आइए हम पवन कुमार सिंह से जानते हैं। एक्चुअली हम जो भी इन्होंने कहा ये मेरे दोस्त ही हैं, अब ये कांग्रेस बिलोंग करते हैं या किसी को बिलोंग करते हैं तो वो एक अलग मैटर है, बाकी मैं ये चाहूँगा कि ठीक है 70 साल 17 साल बनाम 4 साल वट एवर इट में भी, मोदी जी 5 साल के लिए आए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, वी कांट से कि 5 साल के अंदर वी कैन सी द चेंजेस, थोड़ा समय चाहिए किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके रिजल्ट आने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि उनको एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस बीजेपी इन सब चीज़ों से अलग हटकर हम बात करें, वी डोंट हैव एनी फेस टू गाइड द कंट्री। तो आज की डेट में अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात करते हैं तो मोदी इज वन ऑफ द मैन हु कैन एट दिस टाइम ही कैन गाइड द कंट्री। तो मेरा मानना ये है कि मोदी जी को दोबारा एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि आधे लोग बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार बननी चाहिए और कुछ जनता बोल रही है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो वो तो हम आगे इलेक्शन में ही पता कर सकेंगे किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बिगड़ेगी। धन्यवाद।